उसने बताया है, इनके बारे में सुना है, ये टीचर है और इनके हाथ में आप देख पा रहे हैं, ये इनका कहानी संग्रह है। सुनिए, विश्वास है, मैंने तो पढ़ा हुआ इसलिए, पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं श्रद्धा मैम से इतना ही पूछना चाहूंगा कि एक डायरी से लेकर एक मुकम्मल कहानी संग्रह का जो सफर आपने तय किया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सवाल इतना लंबा। देखिए, मैं हमेशा से कहती आई हूँ और कई जगह पे मैंने इस कविता के बारे में भी कुछ पूछा है, इस पुस्तक के बारे में पूछा है। मैं एक ही बात कहती हूँ कि आप पढ़िए। मैंने सातवीं और आठवीं कक्षा से बहुत पढ़ा है, बहुत सारी रचनाएं पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं और बाथरूम में चुप चुप के पढ़ा है। नॉवेल्स पूरा करने के लिए शादियां मिस की, बहुत सारे ऐसे कांड किए जिसके बारे में बाद में पता चलने के बाद अब पता चलता है। अब इंटरव्यू में मेरे भी बताती हूँ तो लोग कहते हैं चलो ठीक ठाक किया, तब बताया तो पिटे होते। लेकिन अपने इस शौक को, अपनी इस जो पढ़ने के शौक था, आप बहुत पढ़ोगे ना, कहते ना जब तू दुबल जाता है तो गिर जाता है, तो वही हो गया है कि इतना तूफान था अपने अंदर, इतने सारे विचार थे कि उन्हें बाहर आना था। कभी कविता के रूप में बाहर आते थे, कभी टू लाइनर्स के रूप में बाहर आते थे, कभी कहानियां लिख देती थी, कुछ ना कुछ चलता था। और आप सबने मुझे बढ़ते देखा है। ये किताब जितनी मेरी है उतनी आप सबकी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे पहचाने चेहरे मैं बता रही हूँ, अगर मेरे किसी कविता पे आपने वाह नहीं कहा होता तो शायद ये किताब मुकम्मल तकमील जवाब ने कहा श्रद्धा ठीक लिखती हूँ लिखो, तो बस श्रद्धा लिखती गई। और ये कहानियां जब मैं ईमानी से बात होती रहती है तो मैं ईमानी से कह रही थी जरूरी है, चले लिख लिया, भरना जरूरी होता है। हर सुबह पानी पीते हैं तो घड़ा भरते हैं ना, सुबह उठ के पहला काम करते हैं घड़ा भरना। तो मैं सुबह उठ के अपना चाय का प्याला लेकर के पढ़ने बैठती हूँ। अब कुछ भी हो जाए, एक घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप सीमित नहीं रह सकते, खूब मंडूक रह करके आप लिख नहीं सकते, आपको पढ़ना। मनीष, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। ये मंजर याद करके मुझे मनोज मुंतशिर साहब याद आते हैं। उनके अगर आप YouTube पे वीडियो देखेंगे, उनके इंटरव्यूज देखेंगे, अगर उनकी कविताएं भी सुनेंगे तो उसकी शुरुआत जो है वो इसी से करते हैं। और ये जाहिर सी बात है, इंटरव्यू में अगर इतने बड़े कोई गीतकार हो तो उनसे ये सवाल कॉमनली पूछा जाता है कि सर हम कैसे लिख पाए, हम कैसे आगे बढ़ पाए। तो वो दो बहुत ही छोटी पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही उमदा लाइनों से जवाब देते हैं कि देखिए, पढ़ना भरना है और लिखना छलकना, बिना भय आप कभी छलक नहीं सकते। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि पढ़िए और बहुत ज्यादा पढ़िए। आप और मनोज मुंतशिर साहब ये भी कहते हैं, जब कोई इंसान 2000 पेजेस पढ़ ले तभी उसे 2 लाइनें लिखने का। अगर आप एक पेज पढ़ के यूं समझते हो कि हाँ भाई मैं तो अभी लिखूंगा तो बहुत गलत बात है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मनोज मुंतशिर साहब कह रहे हैं। अगर किसी को कुछ दिखता हो तो तुम्हें मेरी थी। तुम्हारा दिया भी नहीं हमने। बाकी सब बातें एक तरफ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आप सबको ये अंदाजा होगा कि जब भी कोई बुक टॉक सेशन होता है, बुक लॉन्च सेशन होता है, तो उसमें जनरली होस्ट और ऑथर जो होता है उनके सवाल जवाब प्री डिसाइडेड होते हैं। यहाँ वो चीज नहीं, ठीक है। यहाँ हम एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। मैं अभी श्रद्धा दीदी को ही माइक जो है वो दे रहा हूँ और आप डायरेक्टली वन टू वन कन्वर्सेशन उनके साथ कर सकते हैं। Like experience them or have you heard those stories? At the end of each and every story, I feel that have they really happened or have you like given it a, what do you say, a creative free hand, or have you twisted the ends or something like that? That is my question. Like few stories, I really wish that those kind of ends should actually happen in real life, but have they happened or is it just the writer's freedom? Thank you so much for asking that question, Nirali. It's like बहुत कुछ कहने को मौका दे दिया। 17 कहानियाँ,
17 में से कुछ ऐसी कहानियां हैं जो एज इट इज जैसे मैंने देखी अनुभव की वो वैसी ही है। अब देखिए ये बात दिस गोज विदाउट सेइंग कि जिंदगी नीचे है नहीं, उसे हम सब जैसे लोग ना लिख पढ़ के कह के गा के बढ़ा लेते हैं। जिंदगी खट्टी मीठी तीखी सी है, वैसी ही मेरी कहानियां हैं। सच के बहुत पास और फैब्रिकेशन से बहुत और कहानियों के अंत की अगर बात करूं तो कुछ कहानियों के अंत जैसे कि जारी जी ने मुझसे कहा कि कुछ कहानियों के अंत ऐसे हैं जो ऐसे होने चाहिए लग रहा है पर क्या है वो अंत हैं जो मैं चाहती थी हो जाते। कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसमें ऐसे लोग हैं जो अभी सह रहे हैं प्रतिशोध। मैं चाहती थी कि वो हो जाता पर क्योंकि वो मुकम्मल नहीं हो सकता तो मैंने मेरी कहानी लिख करके आगे पढ़ने वाले चार लोगों को कह दिया लूट दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन गो फॉर इट। सो इट गोज लाइक दैट एंड यस आई हैव क्रिएटेड फ्यू देयर आर गोल्ड वंस ऑब्वियसली आई हैव क्रिएटेड जो सच है नश्वर सत्य है वो तो वैसे के वैसे हैं। और हां इट्स अ विमेन बेसिकली आई ऑल टू ऑल द रिस्पेक्ट टू ऑल द मेन बट मोस्ट ऑफ द स्टोरीज 17 में से अराउंड 10 टू 11 स्टोरीज ऑफ विमेन एंपावरमेंट। अब ये वो विमेन एम्पावरमेंट नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वो क्या है किताब आपके पास अवेलेबल होगी एंड हिमानी से आज बात हुई। इसे कहते हैं कि वो लॉन्च इवेंट है वो टॉक इवेंट है। नाउ आई एम दैट वन दैट लकी सोल। इस बुक के दोनों एडिशन सोल्ड आउट हैं। अमेज़न पे सर्च कीजिए इट्स अनअवेलेबल। I am having few copies and you all are my loved ones. That's why we are having it. And we are having a special 25% discount also on the book today. I'm all here. I wish you people to read this book and experience and tell me how can I improve as an author. Why do I want to read is that I want to reach out to maximum people. And the second thing is that I want to improve. See, one of the girls sitting here, she is my student. She knows me. She can tell that after all the classes, every week I keep on asking, "Beta, do I need to change something?" And they do tell. And that's how I have improved as a teacher in these 20 years. I want to improve as an author as well. So it's very important for all of you to tell me frankly. Sada thoda aisa kar leti to zyada acha. To umeed rahegi ki shayad aap saath denge. हिमानी ने फोन करके कहा श्रद्धा दीदी आ जाओ मैं आ जाऊंगी। तो आई सी माई सेल्फ एज ह्यूमन आई एम ह्यूमन एंड As an author, Shweta, it is a very, I know, I, it's a, this question is a very technical question and I am answering it very diplomatically. देखिए सपने देखना बहुत अच्छी बात है लेकिन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करती रहूंगी। जहां हूं उससे बहुत ज्यादा आगे जाने की कोशिश करूंगी। बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद बड़ों की दुआ और आप सबका साथ वो निर्धारित करेगा कि मैं 5 साल बाद कहां हूं। मैं खुद कैसे कह सकता हूं Most 10, I rate myself as 9. Wow. Why 9? Because I have done something which I know many of us have not done. And why not 10? Why not 10? Because आसमान बहुत ऊंचा है और उड़ाने भरती जाऊंगी उन्हें गुलाचे खाती जाऊंगी तब 10 पे शायद पहुंच पाऊंगी। जैसे कि आपने कहा कि पढ़ना बहुत जरूरी है और आपके थ्रू में लिबर्टी देने की कोशिश करूंगा कि मैं आज की यंग जनरेशन को ये कह पाऊं कि पढ़िए। बहुत से लोग पढ़ते नहीं उनका दिल गारिश मोहब्बत को लिखना बहुत आसान है पर दुनिया में बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं लिखने के लिए सो उस पर लिखने की कोशिश करें। मेरा सवाल ये होता है कि ये है कि जब एक लेखक एक शायर कुछ लिखता है तो उन पलों को जीता तो ये लिखते वक्त आपका तजुर्बा कैसा था आपका सफर कैसा था। पहले वाली बात है उसको पहले आंसर करूंगी। टूटा दिल लिखना आसान है और भी गम है दिमाग में मोहब्बत के सिवा आंखें और भी है बस यही चाहत के सिवा। तो देखिए हाँ साहब लिखते रहिए और पढ़िए बहुत सारा। हमारा पता है
हिंदी उर्दू इंग्लिश आप पीछे जाकर देखिए ना, हमारे पास अथाह ज्ञान का भंडार है। अथाह आज मैं बोल रही हूँ मेरे लिए बुक टॉक से ज्यादा इम्पोर्टेंट, अब क्या आपने जाने के लिए रह जाएगा तो कौशिक का मैं सच कह रही हूँ याद रह जाएगा कि कश्मीर नदी को किसी ने दोबारा जीने का मौका दे दिया। तो जीके तो देखो यार पीछे भरा 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 है भंडार। आपके प्रश्न की बात करूं तो ये बनाते समय सफर कैसा था मैं आपको बताऊं जी। मेरे घर पे कोविड आया दिवाली वाले दिन और आया मेरी आम के दादे मेरे बेटे के साथ। मैं बहुत हताश बहुत परेशान, दो दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके बिना जीऊं कैसे। ये कहानियां कहीं ना कहीं डायरियों में छुपी हुई होती थी, कभी कभी एक एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ लिखे थे, कुछ कहानियां मुकम्मल भी थी। तीसरे दिन मैं इसको रोल करके वीडियो कॉल करके कह रही हूँ भाई नहीं रहा जा रहा जिंदगी में जरूरी नहीं है माता पिता सिखाए, ऐसी भी एक कहानी है। आपकी औलाद आपको बहुत कुछ सिखाती है। मेरे बेटे ने मुझे कहा बना उम्मीद तुम हंका करो बाहर निकलो तो कुछ लेके आना। और मैं हिमानीश से बात कर रही थी, मैंने कहा हिमानीश इंशाल्लाह इस बार ये कोविड कुछ देके जाएगा। 14 दिन 17 कहानियां। मैम ऐसा है कि लाइक सी अगेन लाइक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है डेफिनेटली, तो आपके फैमिली में हाउ वाज द रिस्पांस लाइक ओके लाइक शी इज टर्निंग आउट टू बी ऑथर दो यू वर अ टीचर डेफिनेटली, फैमिली में रिस्पांस कैसा था? योर मैं सास ससुर की बात कर रहा हूं, यू नो लाइक दैट ओल्डीज गुड ओल्डीज मैं लिबर्टी लेके जॉब कर रहा हूं टॉक अबाउट मैं नहीं कर रही मैं क्योंकि बच्चा पहले अच्छा परफॉर्म कर चुका है व्यू पॉइंट है ना, मैं समझ नहीं पा। आई टेल यू वन थिंग कौशिक, देखिए आपको अगर अपनी पहचान इस तरह से बनानी है कि जहां मैं यहां बैठी हूं आपको सबके बारे में सोचना बंद करना पड़ता है, तो पहले तो मैंने सोचा तुम जो सोचते हो तुम सोचो, मैं नहीं सोचती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ठीक है मैंने कहा आपको अप्रूव होगा ठीक है, नहीं तो जयराम जी रहती मैं तीन मनुष्यों के साथ हूँ, मेरा पुत्र मेरी पुत्री मेरा पति। पुत्र ने उसको आगे बढ़ाया, पति देव ने नाम दिया, पुत्री कहती है मम्मा ये कपड़े पहन के इंटरव्यू में जा। तो मैं क्यों सोचू, देखो ऐसे तो कौशिक बहुत बड़ी दुनिया है, परमिशन लेने जाऊंगी या ये देखो परमिशन नहीं मैं डेफिनेटली यहाँ पे परमिशन का ये नहीं है होगा, आपने करने के बाद मैं पूछ रहा हूँ लाइक व्हाट वर दे लाइक दे वर लाइक शॉक हो क्या था? चढ़ते हुए सितारे को कभी किसी ने ना बोला है वो तो फिर भी आता ना नेगेटिव मैम आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन पैट्रियार्की। नो नेगेटिविटी, आई हैव बीन अप्रिशिएटेड एंड सेलिब्रेटेड बाय माय फैमिली। लोग क्या सोचेंगे वो भी तीखी भी है, तो इसमें ऐसी कैसी कहानियां जो आपको जिंदगी का तीखापन का एहसास कराती है? इसमें कहनी चाहिए पर फिर भी I have dedicated this book to the lady who brought me to this earth, my mother, if she is watching me. So इसकी टाइटल सुन लो शायद ऐसा लगे, पहले टाइटल इज दूसरी औरत, देन मर्यादा, राह, इंतजार, अभिमान, मास्क, ये वो वाला नहीं है, दोषी कौन, विश्वास, करवा चौथ, घर का चिराग, मुक्ति, छल, प्रतिशोध, भिखारी, पतन, स्वार्थ, दूरियां। पता चल रहा है बेटू? तो अपने करियर से अब हम जैसे नए लोगों को क्या सीख देंगे? बड़े बड़े बहुत सारे हैं, मेरे करियर से ये सीख तो नहीं बना, ये कहूंगी जहाँ से मौका मिले सीख लो, जो भी तुमको लगे ना कि हाँ भाई इसको आता है अरे भैया देता था सीख लो। सही बता रही हूँ, हमारे पास कुमुद जी हैं, आज मेरी कुमुद जी से इस बारे में चर्चा हुई, उन्होंने कहा हम एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं कि जिसमें जो भी बच्चे सीखना चाहे छंद अछंद जो भी हिंदी का आप आइए ज्वाइन कीजिए और सीखिए, हम सब सीखते रहेंगे साथ साथ। बस